आइए बताते हैं आप, क्या सोनू सूद ने कभी रामचरितमानस या रामायण नहीं पढ़ी है? क्योंकि उनका अल्पज्ञान सामने आया। खाने पर थूकने वालों की तुलना मां शबरी से सोनू सूद ने क्यों की, आज हम सवाल पूछ रहे हैं। और कंगना ने कैसे लगाई सोनू की क्लास, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, देश में मुद्दों पर बहस होती है लेकिन कुछ लोग उस बहस में कूद जाते हैं, और उसमें नाम है सोनू सूद का। आप में से कई लोग होंगे जो सोनू सूद को जानते होंगे, ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें नहीं जानता। आज मैं एक्टर सोनू सूद को लेकर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं दर्शक। सवाल यह कि सोनू सूद क्या इतने अनजान हैं कि वो सोशल मीडिया पर थूकने वाले वीडियो की मां शबरी से तुलना कर रहे हैं? क्या सोनू सूद ने कभी रामचरितमानस के पन्ने नहीं पलटे हैं? देखा भी है उन्होंने कभी? क्या सोनू सूद को थोड़ा भी रामचरितमानस या रामायण का ज्ञान है? आज हम सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि रामायण में एक चौपाई है दर्शकों, क्या वो कहती है सुनिए। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठाए। रामचरितमानस में ये चौपाई लिखी, और हम सोनू सूद को भी बता रहे हैं, और जिन्हें नहीं पता है वो भी सुन ले इसका। ये तब की बात है जब मां शबरी प्रभु श्री राम से मिलती हैं, वो उन्हें अपने सामने देखकर प्रेम में मग्न हो जाती हैं, उनके मुख से वचन नहीं निकलते, बार बार वो प्रभु के चरण कमलों को अपने सिर से नवाती रहती हैं। फिर जल लेकर राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के चरण बेहद आदर पूर्वक धोती हैं, और इसके बाद वो उन्हें सुंदर आसन पर बैठाती हैं। अब इसके बाद क्या होता है दर्शकों, ये आपको सुनना चाहिए। चौपाई के बाद आता है दोहा, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहू आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। अरण्यकांड के 34वें दोहे में आगे क्या होता है सुन लीजिए। अर प्रभु श्री राम को बैठाने के बाद माता शबरी उन्हें बेहद रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल खिलाती है। मां शबरी की इस भावना को प्रभु राम देख रहे होते हैं, और वो बार बार प्रशंसा करते हैं, बेहद प्यार से वो कंदमूल खाते हैं। ये रामचरितमानस में साफ साफ लिखा हुआ है दर्शकों कि माता शबरी जब बागान में जाती हैं तो वो पेड़ का चुनाव करती हैं, और जिस पेड़ पर स्वादिष्ट और रसीले फल होते हैं उन्हीं को लेकर वो प्रभु राम के लिए लाती हैं और खिलाती हैं। दर्शकों ये चौपाई आज मैंने आपको इसलिए सुनाई, आप समझिए, क्योंकि सोनू सूद आधे अधूरे ज्ञान से बेवजह मामले में कूद रहे हैं। और सोनू सूद आप सुन लीजिए, जिस मानवता की बात आप कर रहे हो, आपको यह पता होना चाहिए कि वो किसी मांस काटने वाली दुकान पर नहीं मिल सकती है, कि आपको सोचना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है दर्शकों, लेकिन इस मामले को लेकर किस तरह से सियासी वार पलटवार हो रहा है, कहां से यह शुरू हुआ था, देखिए इस रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक आदेश से देश भर में माहौल बन गया है। वो आदेश जो उन्होंने कांवड़ियों की सहूलियत के लिए दिया, कांवड़ रूट पर पड़ने वाली हर दुकान को पहचान देने का आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ऑर्डर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इतना भा गया कि उन्होंने इसे अपने प्रदेश में लागू करने में देर नहीं लगाई। उत्तराखंड में इस आदेश का लागू हो जाना बड़ा संदेश देता है, क्योंकि यही हरिद्वार से कांवड़िए जल भर कर ले जाते हैं और भोले शंकर को चढ़ाते हैं। अब उत्तराखंड में लागू होने के बाद इसे देश भर में लागू करने की मांग प्रबल हो गई। मैं यूपी के मुख्यमंत्री से सहमत हूँ, योगी जी से। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है। हमारी कांवड़ यात्रा जिस मार्ग से निकले, उस मार्ग के बाहर जितने भी बोर्ड लगे हैं, उन बोर्डों पे आइडेंटिटी होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश में इंदौर 2 से विधायक रमेश मेंदौला ने सीएम मोहन यादव को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने पूरे राज्य में सावन में दुकानदारों के नाम लिखने की अपील की। उज्जैन में तो नगर निगम एक साल पहले ही आदेश दे चुका है, जिसका पालन नहीं हो रहा था। हालांकि अब मेयर मुकेश टंटवाल कह रहे हैं कि वो इस बार सावन के महीने में आदेश पर सख्ती से अमल करवाएंगे। चाहे बुलडोजर एक्शन हो या फिर योगी का दुकान की पहचान वाला आदेश, योगी मॉडल हर जगह गूंज रहा है। तो देखा आपने दर्शकों किस तरह से ये सियासत हो रही है, लेकिन योगी के एक आदेश के बाद क्या क्या बदल गया है वो मैं आपको बताऊंगा और कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले देख लेते हैं केस।
कैसे सोनू सूद ने इस विवाद में अपनी जगह बना ली है। क्या होता है, दुकानों की पहचान के आदेश पर सोनू सूद बेवजह कूद गए। सोनू सूद के पोस्ट से कुछ लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है दर्शकों, और एक्टर सोनू सूद ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया, हमारे श्रीराम ने शबरी के जूठे बेर खाए तो मैं क्यों नहीं खा सकता, हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है, बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए। सोनू सूद जबरन मानवता का राग अलाप रहे हैं दर्शकों, आदेश को मुद्दा बनाकर बेवजह का कुतर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मांस की दुकान पर मानवता कैसे हो सकती है, आप सोचिए इस बात को। जानवरों की हत्या दुकान पर कैसी मानवता है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं उनसे दर्शकों सोशल मीडिया पर। लेकिन कंगना ने आज उन्हें जमकर क्लास लगाई और धोया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कंगना रनौत एक्स पर भड़क गई। हिमाचल की मंडी से सांसद हैं कंगना और उन्होंने प्रतिक्रिया दी, आगे सोनू जी अपनी खुद की रामायण का निर्देशन करेंगे तंज कसा, अपने व्यक्तिगत निष्कर्षों के आधार पर निर्देशन करेंगे। वाह क्या बात है, बॉलीवुड से एक और रामायण आने वाली है। उन्होंने आगे लिखा, हलाल को मानवता से बदल देना चाहिए, ये सवाल पूछा उन्होंने सोनू सूद से। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, यही है, यही विवाद खड़ा हो रहा है। लेकिन यह विवाद कैसे खड़ा हो रहा है, इस विवाद के पीछे की तस्वीर क्या है दर्शकों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं और वो तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए दर्शकों। वो तस्वीर क्या कहती है, कैसी है वो तस्वीर, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए आप, सोनू सूद के इस पोस्ट पर सिर्फ कंगना रनौत ही नहीं आहत हुई, सिर्फ कंगना ही नहीं सोनू सूद को कोस रही है, बल्कि कंगना के अलावा कई लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, बल्कि आप और हम में से कई लोग हैं जिनका गुस्सा सोनू सूद के इन विचारों पर फूट रहा है। और एक्स पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सोनू सूद के पोस्ट के बाद लोगों ने जमकर भड़ास निकाली है, क्लास लगा दी उनकी। एक शख्स ने क्या लिखा दिखा रहा हूं आपको, देख लीजिए, इनकी बुद्धि घास चरने गई है, इस आदमी के लिए मैंने कभी अपने ब्लॉग पर कविता लिखी थी, अफसोस है डिलीट कर रहा हूं। एक दूसरे शख्स ने लिखा, जब कोई हिंदू मानसिक रूप से भ्रष्ट हो जाता है उसको ठीक सोनू सूद की तरह दोनों विचार में अंतर नजर नहीं आता है। एक और यूजर को हमने ढूंढा, वो क्या लिखते हैं सुन लीजिए, ये सिर्फ लाइमलाइट में टाइमलाइन में रहने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, बाकी इन्हें अगर वही थूका हुआ खाना परोसा जाए तो ये फेंक देंगे, सिर्फ ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाओ। इन ट्वीट से आप समझ लीजिए दर्शकों, साफ है कि सोनू सूद पर लोग भड़के हुए हैं, जमकर रिएक्ट कर रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन अब हमने इस मसले को लेकर साधु संतों से भी बात की, आम लोगों से भी बात की, वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं सुनिए जरा। फिल्म एक्टर सोनू सूद जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने अधर्मियों का तुलना मां सबरी से किया। मां सबरी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम से इतना स्नेह और प्यार करती थी, उनका श्रद्धा का भाव था, इसके नाते पार ब्रह्म परमात्मा माँ सबरी के जूठे बैर खाते हैं, और उसकी तुलना राक्षसों से सोनू सूद ने किया, कितने दुर्भाग्यपूर्ण। सोनू सूद साहब आप क्या कर रहे हैं, हम सब पूरे देश को अच्छे से पता है, अगर आपको दफ्तर खान में बैठ कर खाना खाना है आप खाएं, आप धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं जाएं, लेकिन भारतीय लोगों को, हिंदू सनातनी लोगों को उनके धर्म का ज्ञान, आप पहले धर्म का ज्ञान लेकर ही देने का प्रयास करें और रामायण की कथाओं को भ्रांतिपूर्वक ना उपस्थित करें। सोनू सूद की मानसिकता ठीक नहीं है, उनकी मानसिकता खराब हो चुकी है और वो बौखला गए हैं, इसीलिए इस प्रकार बयानबाजी दे रहे हैं। तो सुन लिया आपने, साधु संत कितने नाराज हो गए हैं। लेकिन दर्शकों आज मैं एक और बात आपको बताता हूं, क्योंकि इसी नाराजगी के बीच सोनू सूद ने एक और ट्वीट कर दिया है। सोनू समझ जाते हैं कि उनके विरोध में आवाज बुलंद होने लगी है, सोशल मीडिया पर खिलाफ में माहौल हो गया है, तो वो अपने पुराने पोस्ट से यू टर्न ले लेते हैं। वो कहते हैं कि मैंने खाने में थूकने वालों को कभी सही नहीं बताया। ये पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, देख लीजिए साइड, देखिए कैसे वो अपने इस पोस्ट में खाने में थूकने वालों को सजा देने की बातें कह रहे हैं, कैसे सोनू सूद के सुर कुछ ही घंटों में बदल गए हैं। लेकिन दर्शकों आप शायद गौर ना कर पाए,
सोनू अपने पुराने पोस्ट पर सफाई देने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तब भी उनके इतने लंबे चौड़े पोस्ट में हमने जब एक्सरे किया तो माफी का शब्द नजर नहीं आया। वो इसके लिए माफी नहीं मांगते हैं, प्रभु श्रीराम मां शबरी पर टिप्पणी को लेकर माफी नहीं मांगते हैं दर्शकों। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कहां से विवाद शुरू हुआ, कैसी ये मानसिकता है आप देखिए। अलग अलग जगह अलग अलग तस्वीर, कभी रोटी पर थूक दिया, कभी फल पर थूक दिया, सलून में थूक कर मसाज कर दिया। आप सोचिए जरा, हैरान है इन तस्वीरों को देखकर हम। फलों में थूक कर माला बनाई जा रही है, खाने में थूक दिया जा रहा है, बर्तन में थूक दिया जा रहा है। सवाल यह है दर्शकों कि यह तस्वीर जो आज आप देख रहे हैं, क्या यह तस्वीर मां शबरी से इसका कंपेयर हो सकता है जो सोनू सूद आज कर रहे हैं? लेकिन आज हम इसलिए सवाल कर रहे हैं सोनू सूद से और कह रहे हैं क्या वो माफी मांगेंगे, और इसको लेकर कंगना रनौत ने भी उन पर किस तरह से हमला बोला है आपने सुना। लेकिन सोनू सूद अपनी सफाई दे रहे हैं और इधर लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है जो हमने आपको सुनाया। इस बीच आपको यह बता दूं, कावड़ रूट पर योगी सरकार के आदेश को दुकानदार अमल में ला रहे हैं दर्शकों, देख लीजिए आप। रूट पर ऐसे कई ढाबे और दुकानें थी जो अभी तक हिंदू नाम से चल रही थी, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, हिंदू नाम से। लेकिन योगी सरकार का आदेश आया तो इन्होंने अपनी सही पहचान दुकान के बाहर लगा दी है। जो पहले संगम भोजनालय था वो अब अपनी सही पहचान के साथ सलीम भोजनालय बन गया है, देखिए आप। इसी तरह वकील साहब टी स्टॉल का नाम क्या हो गया, वकील अहमद टी स्टॉल। इनके अलावा दिल्ली लखनऊ हाईवे पर शिवा ढाबा चलाने वाले कौन निकले, भूरे अली। शिवा ढाबा चला रहे थे भूरे अली, इन पर कार्रवाई की गई है दर्शकों। हमारी टीम भी ऐसी दुकानों का एक्सरे करने निकली सिर्फ आपके लिए। तो मुजफ्फरनगर बाईपास हाईवे पर हमें भी एक ढाबा मिला जो पहले फाइव स्टार कैंटीन के नाम से था, लेकिन अब मोहम्मद हादी टी स्टॉल हो गया। और इस ढाबे पर काम करने वाले सभी लोग मुस्लिम समुदाय से। ढाबा मालिक का कहना है कि वो योगी सरकार के इस फैसले का सम्मान करते हैं और उनकी बिक्री पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। सुन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारे सहयोगी साहिल की यह रिपोर्ट आप जरूर देखिए, इसके बाद बताएंगे फाइनल एक्सरे रिपोर्ट। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ढाबे का नाम जो है मोहम्मद हादी टी स्टॉल, यानी इससे पहले जो इस टी स्टॉल का जो नाम था वो ये था फाइव स्टार कैंटीन। फाइव स्टार कैंटीन इस ढाबे का नाम था, लेकिन यूपी सरकार के आदेश के बाद अब इस पूरे ढाबे का जो नाम है मोहम्मद हादी टी स्टॉल हो चुका है। और वर्कर के जो नाम है वो भी यहाँ पे बाकायदा सरकार के आदेश के बाद यहाँ पर लिखे गए हैं। ये मोहम्मद हादी टी स्टॉल, मालिक का नाम मोहम्मद हादी, मालिक का नाम रुस्तम, कारीगर का नाम गाजी, कारीगर का नाम सोहेल, वर्कर का नाम जुनैद, वर्कर का नाम खुमेनी। ये पूरे जो नाम है वो यहां पर लिखे गए हैं, देख लिया दर्शकों। ये विवाद सोशल मीडिया फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बड़ा दिलचस्प है दर्शकों, क्योंकि एक तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल की चर्चा पूरे देश में उठ रही है, लेकिन अब मांग भी ज्यादा बढ़ गई है और इस पर सियासत भी जबरदस्त हो रही है दर्शकों। दुकानदारों ने आदेश आने के बाद बेशक अपनी दुकानों और ढाबों की पहचान उजागर कर दी, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। अब सवाल यह कि आखिर अभी तक पहचान छिपाकर काम किया ही क्यों जा रहा था, इसके पीछे की वजह क्या थी दर्शकों, इस सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इसे लेकर सियासतदान क्या कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और विधायक गोलू शुक्ला, सुनिए जरा। मैं यूपी के मुख्यमंत्री से सहमत हूँ योगी जी से, आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। हमारी कावड़ यात्रा जिस मार्ग से निकले उस मार्ग के बाहर जितने भी बोर्ड लगे हैं उन बोर्डों पे आइडेंटिटी होना आवश्यक है कि वहाँ उनके उनका नाम, उनकी दुकान का नाम और उनका पता कि ये राजेंद्र दीक्षित है, फलाना इसकी दुकान है, उसमें बुराई क्या है, नाम लिखना लिखा होना चाहिए। आप जो ने जो ट्वीट किया है आज कि हिंदू बन जाने में क्या समस्या है, इसको जरा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। नहीं नहीं, बस उसी से जुड़ा हुआ है। दर्शक सब होशियार हैं, दर्शक सब समझते हैं और दर्शक को समझाने की जरूरत नहीं है, दर्शक सब समझते हैं।
तो सुना आपने दर्शकों, लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है हमारी एक्सरे रिपोर्ट जो आज हमने तैयार की। इसके लिए सबसे पहले इसकी केस की हिस्ट्री समझिए। सोनू सूद आपने देख लिया, योगी आदित्यनाथ का आदेश देख लिया, लेकिन ये शुरू कहां से हुआ दर्शकों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं। हंगामा करने वाले शायद अपना इतिहास भूल चुके हैं दर्शकों। दुकानों पर नाम लिखने का नियम कोई नया नियम नहीं है, सुन लीजिए। इस कानून पर सबसे पहले कांग्रेस ने ध्यान दिया और सरकार में थे तब बना दिया। तब यूपीए की मनमोहन सरकार केंद्र में थी दर्शकों। यूपीए सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 लेकर आती है। इसमें क्या होता है, खान पान की दुकानों पर फूड लाइसेंस लगाना बड़ा जरूरी हो गया। इसमें क्या होता है, आसानी से दिखने वाली जगह पर लाइसेंस लगाना होगा जो दुकान में घुसते ही कहीं दिख जाए। फूड लाइसेंस नहीं होने पर 10 लाख तक का जुर्माना भी लगता दर्शकों। ये आपने देख लिया, ये कांग्रेस ही लेकर आई थी, लेकिन इस पर सियासत क्यों हो रही है, इसके लिए हमने आपके लिए टेस्ट रिपोर्ट भी तैयार की है। क्योंकि ये जो सियासत है ये अभी बाज नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको टेस्ट रिपोर्ट आज क्या है दिखा देता हूं। आप दुकान की पहचान आदेश पर बगावत के सुर खड़े हो गए। मुजफ्फरनगर डीएम ने सबसे पहले यह आदेश दिया था दर्शकों, दुकानों पर प्रोपराइटर का नाम लिखने के निर्देश दिए गए थे। सहारनपुर और शामली में भी इसी तरह का आदेश जारी किया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। अगर नाम गुड्डू मुन्ना और फत्ते होगा तो क्या करेंगे। मायावती ने भी इस आदेश को असंवैधानिक बताया है दर्शकों। सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, जब इस तरह के आदेश पर ओवैसी ने देखा तो प्रशासन के आदेश पर उन्होंने तुरंत आपत्ति जता दी। नेम प्लेट मुस्लिम दुकानों की बिक्री रोकने का तरीका है। मैं योगी को चुनौती देता हूं, लिखित आदेश क्यों नहीं देते। योगी ने पूरे प्रदेश में यह आदेश लागू करने के निर्देश दे दिए। इसके बाद और तो और उत्तराखंड के हरिद्वार में भी आदेश लागू किया गया है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि जो कांग्रेस इस पूरा कानून को बनाती है, इस पूरे कानून को, वो लोग भी सियासत कर रहे हैं, उसी के गठबंधन वाले सियासत कर रहे हैं। लेकिन हमारी फाइनल रिपोर्ट इस पर क्या कहती है, आइए आपको बता देते हैं। क्योंकि फाइनल रिपोर्ट में 22 जुलाई यानी एक दिन बाद सावन की शुरुआत हो रही है, ये सामने आया है। इतना ही नहीं, सावन को लेकर जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। एक तरफ विवाद, दूसरी तरफ तैयारियां। शिव भक्तों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, कांवड़ियों के स्वागत के लिए काशी भी पूरी तरह से तैयार हो गई है और हरिद्वार में कांवड़ियों की सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं। पार्किंग, गंगा घाट, ट्रैफिक रूट ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पुलिस ने QR कोड तकनीक का इस्तेमाल करने की ठान ली है और कांवड़ यात्रा रूट पर हर जगह QR कोड दिखाई देंगे आपको दर्शकों। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के कई जिलों में पंपलेट भी बांटे गए। यात्रा शुरू करने से पहले कांवड़ियों को जरूरी जानकारी भी देनी होगी और यात्रा शुरू करने के वक्त जब कांवड़िए जानकारी देंगे तो सभी के लिए सहूलियत होगी। लेकिन दर्शकों, इस मसले पर अभी सियासी हंगामा और चलने वाला है, कैसे सुनिए जरा। ऐसा नोटिफिकेशन मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे निकाला गया था, ये रूटीन प्रैक्टिस है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे निकाला गया था, तो हमारी सरकार नया क्या कर रहे हैं। अब तो हमारे अपोजिशन भी ऐसे हो गए कि नोटिफिकेशन, अगर सेम नोटिफिकेशन बीजेपी निकाले तो इट इज़ कॉमनल, अगर कांग्रेस निकाले या उनके कोई सहयोगी निकाले देन इट इज़ से